कांग्रेचुलेशन सर, कहा जाता है सर का जो पल्स है, कैसे मामा सब ठीक गांव में, लव यू मामा। और कहा जाता है कि इनका जो सेंस है, पल्स है ऑफ द स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। विपुल जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? ऑनेस्टली बताइए वजह क्या है, स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है या फिर संजय जी ने बोला तो बोला? देखिए संजय सर के साथ तो मैं 7 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ और सर का डायरेक्शन और सर इतने सरल स्वभाव के मुझे शुरू से ही पसंद है उनकी स्माइल। सो इसीलिए मैंने सर को अपॉइंट किया है कि आपकी वेब सीरीज जो सर ही डायरेक्ट करेंगे। ऑनलाइन 24/7 का जो सब्जेक्ट है ये कुछ यूनिक सब्जेक्ट है, कुछ नया है, कुछ नया कंटेंट है, तो आप सब जब देखेंगे जब ही उसका मजा आ पाएगा। अभी तो कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, सो इसके लिए वेट कीजिए। वेट करना अच्छा होता है, सब्र का फल मीठा होता है, तो आप सब खाइए, सब मजे लीजिए। और इससे कह दो डेजर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं आज इस इवेंट में, जरूर खाइएगा। बट सर मैंने प्रोड्यूसर्स को देखे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, आप बिल्कुल हीरो लगते हैं। मतलब मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं? नहीं सर आप हैं, वो दूसरा पॉइंट है, वो तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट आपने चुना है तो सर आप इंटेलिजेंट भी बहुत है। पर बताइए कहीं संजय जी ने बोला कि आपको हीरो बनना है इस प्रोजेक्ट में क्योंकि आप इतने स्मार्ट है? वो तो मेरी मम्मी बचपन से कहती है मैं बहुत स्मार्ट हूं। अच्छा तो हीरो बनना था आपको देखकर। अब हमारे दूसरे प्रोड्यूसर लेडीज एंड जेंटलमैन अंकित शाह, जिनका मोटो है कि मैं वो टेरिटरीज पे जाऊंगा जो कोई नहीं गया है और वही कर रहे हैं ऑनलाइन 24/7। ताली बजाइए अंकित जी के लिए। ये बेसिकली हमारे जो विपुल जी, उन्होंने कान में मुझे बताया ये गोवा कैसीनो के ओनर भी हैं और इन्होंने कहा है हाँ अपकमिंग कैसीनो, और ये कह रहे जितने भी लोग यहां पे हैं आज खुशी का दिन है, ये सबको साल भर फ्री एंट्री देंगे वहां पे। ताली बजाइए सर के लिए। सर कौन कौन आना चाहता है साल भर फ्री का नाम सुन के हम सब घुस पाते हैं। सर कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। साथ में सर ने ये भी कहा है ड्रिंक से खाना भी ऑन द हाउस, ताली बजाइए। बट सर जोक्स aside, नहीं मैं जेन्यूनली बोलूं, जब मैंने देखा कास्ट का नाम, संजय सर का नाम, विपुल का नाम, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं ऑफ द अंडरडॉग्स, यानी कि वो लोग जो सिर्फ मेहनत करते हैं, स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और उस मुकाम तक जाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट। पर दिल से बताइए वो कारण क्या था, वाज इट द स्क्रिप्ट, संजय जी, या सब मिला के आपने डिसाइड किया वांट टू प्रोड्यूस दिस? तो है ही, बाकी ये मेरा छोटा ब्रदर है, सो इसका सपना था कि कुछ करना है, बहुत अच्छा। जय वीरू की जोड़ी दोस्तों, शोले पार्ट टू भी बनेगी इन दोनों के साथ। थैंक यू सो मच सर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कैसीनो सर। सर एंट्री अलाउ कर देना 100%। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सर अच्छा आइए। I'd like to call one by one on stage the cast. Please, please, dil se taali bajaiye to Ahem Sharma on stage now. Jo piche mere dost the, jab maine bola Goa casino mein free entry, sab dance karne lage the. Ahem aa rahe hain, aap khade baithe ho yaar. Taali bajao, Ahem aaiye. और भी बोलना, आइए सेंटर स्टेज आइए सर, ऐसे क्या? अहम शर्मा सर, आपका अहम रोल है इस फिल्म में। यस, तो अहम रोल है इसलिए अहम नाम रखा है आपने कि जेन्युइनली हर चीज आप अहम ही करते हैं? सर को मेरा नाम पसंद है इसलिए मुझे रोल ऑफर कर दिया इसमें, उन्होंने कहा कि इसको तो अहम रोल दे देते हैं। सवाल क्या था आपका? सवाल मुझे खुद याद नहीं है, पर कोई टेंशन नहीं सर, मेरा ये है कि सर ये जो दिग्गजों के साथ आप काम कर रहे हैं
रोल में घुसने के लिए क्या बहुत ज्यादा प्रेप करना है कि आप स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस के साथ? स्पॉन्टेनिटी भी प्रिपरेशन के बाद ही आती है, मतलब कि कोई भी रोल हो, एक एक्टर उस कैरेक्टर में डिफरेंस क्या, सिमिलरिटीज क्या ढूंढ के फिर उस तक पहुंचता है, या अपने अंदर कुछ जो पहलू होता है उसको ढूंढ के उसमें बिल्ड करता है. तो ये जो किरदार है मेरे साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन के तौर पे मुझे उस दुनिया को समझना होगा और उसका माइंडसेट क्या रहा होगा. तो हाँ, तो प्रिप तो करना ही होगा, उस स्पॉन्टेनिटी उसके बाद आएगी. तो लेकिन हाँ, दैट्स अ फन पार्ट. एनी टू लाइक डू समथिंग व्हिच इज फार फार अवे फ्रॉम माय ओन पर्सनालिटी, व्हिच विल challenge me and you know make me work, and also I'll get to know a different world altogether. White collar crime jo online pe hota hai, I have no idea, but it's all about that. What we don't know about online, kitna crime ho sakta hai, ya gambling wali ki jo duniya hai. To Vipul ji madad karenge inke casino mein jaake thoda hum gambling karenge, kuch dance wala karenge. प्रिपरेशन के लिए आप करेंगे ये सब? हाँ, ये ऑनलाइन कैसीनो जाएंगे प्रिपरेशन के लिए दोस्तों, राइट? 5-10 दिन गोवा में जाके तो करना पड़ेगा, ये सब प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं सर. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. स्पेशल तालियां हमारे दोस्त के लिए जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं सर. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, वीडियो फुटेज लगा, लव यू ब्रदर. स्टार्टअप्स यहां वहां मत करना, उसके बाद लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू. अब नेक्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बुला लूंगा समीक्षा भटनागर ऑन स्टेज प्लीज. The leading ladies. Hi, Samiksha. Hi. You're looking so beautiful. Thank you so much. And bataiye, this is probably one of those projects jahan raat ko neend ud gayi ki itna tough role tha, waisa scene hai? Actually, ye to project mein mereko jis tarike se mila hai na. तो मेरे को एक्चुअली मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि मैं आधे घंटे में लॉक हो गई और रात में मेरा फोटोशूट भी हो गया. तो आई वॉज लाइक एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू एसोसिएट विद संजय सर. उनकी गाइडेंस से मुझे काम करने को मिलेगा, एंड देन विपुल जी एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स. सो या थैंक यू सो मच. और याद रखिए 31 दिसंबर हमारा सबका सेट हो गया है गोवा कैसीनो में, तो आप भी आमंत्रित हैं. एंड द मेन थिंग इज, क्योंकि मैं कैसीनो में गैम्बलिंग मुझे करना आना चाहिए और वो मुझे नहीं आता है, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि मुझे जाना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा. सो यस, बहुत अच्छा करेगा. वहां पैसे जीती भी प्लीज मुझे 10 रुपए दे देना बस के भाड़े के लिए. डन. थैंक यू. प्लीज टेक योर सीट्स. थैंक यू समीक्षा भटनागर, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड अप नेक्स्ट, अरे यार मेरा भाई, मेरा दोस्त, one of India's finest actors, जो अपने पूरे परिवार के साथ आया है, that shows what a family man he is. Give it up for Mr. Abhimanyu Singh. मैं हमेशा मानता पहले उनके परिवार को ताली बजाइए प्लीज. फैमिली मेक्स ऑल ऑफ देम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अरे सीटी बजाइए भाभी जी. अभिमन्यु, मैं हमेशा मानता हूं कि जहां पे अभिमन्यु का नाम होता है, स्क्रिप्ट बाय गॉड हैज टू बी वेरी सॉलिड, कि जो भी काम अभिमन्यु करता है वो सॉलिड काम करता है. भाई ये जो ऑनलाइन 24/7 है, मुझे बताया कि अभी तक शूटिंग शुरू नहीं हुई है, राइट? बट ये आपको कितना चैलेंज करने वाला है ये प्रोजेक्ट? चैलेंजिंग तो होगा, बिकॉज कैसीनो का ओनर है ये, और बुकी है, और थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड है, तो है चैलेंजिंग है, पर मजा आएगा बिकॉज एक नया एरिया है डिस्कवर करने के लिए. ये बताइए, ये रोल जो आप करने वाले हैं, लोग कहते हैं कि आप बहुत मेथड एक्टिंग में घुस जाते हैं, जैसे अगर कोई रोल मिलता आप घुस जाते हैं, तो इसमें घुसने के आप क्या करने वाले सर? कुछ भी नहीं. इनको देख लिया बस हो गया, कोई जरूरत नहीं, तो कुछ खास इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे नहीं लगता. यानी पैदाशी क्रिमिनल माइंड है यार. हाँ भाई, वो एस्पेक्ट यूज करेंगे. नहीं यार, बहुत प्यारा है मेरा भाई. गिव इट अप फॉर मिस्टर अभिमन्यु सिंह. प्लीज टेक अ सीट सर. थैंक यू सो मच. और अब अरे ताली बजाओ यार, आज सैटरडे नाइट है, आज नहीं ताली बजाओगे तो कब बजाओगे? ऑलराइट, अब नेक्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लोग हमारे साथ यहाँ पर नहीं है, but we value every person who's part of online 24/7. So Zarina Wahab ma'am ke liye taaliyan please.
राजेश शर्मा हमारे साथ नहीं है, पर तब भी हम चाहेंगे आप ताली बजाएं उनके लिए, बिकॉज वी आर टीम प्लेयर्स। साथ में आप बुलाना चाहूंगा विनीत शर्मा को ऑन स्टेज। विनीत शर्मा, जिसे आप जानते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स निभा चुके हैं, हर कैरेक्टर में अलग ट्विस्ट और टर्न लेके आते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड विनीत शर्मा। विनीत, अनदर फाइन एक्टर। क्या ये जो ओटीटी का जमाना है, वेब सीरीज का जमाना है, मुझे जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो बोल रहे हैं वाह, दिस इज द टाइम फॉर ग्रेट कंटेंट, वेब सीरीज और फिल्म्स, व्हाट इज मोर चैलेंजिंग अकॉर्डिंग टू यू? बहुत चैलेंजिंग है, उससे बट हाँ, प्लेटफॉर्म बहुत मिल रहा है थिएटर एक्टरों को ओटीटी आने की वजह से, सो थैंक यू फॉर दैट, लाइक एनफ थैंक यू ओटीटी फॉर दैट, क्योंकि कई कलाकार जो थिएटर वालों को वो चांस नहीं मिल रहा था जो आप लोगों को यहाँ मिल रहा है, सो आई एम ग्लैड कि आई बीन अ पार्ट ऑफ दैट। तो मैं फिल्म का भी हिस्सा रह चुका हूँ और ओटीटी का भी हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हिच आई वांट टू थैंक संजय सर, आपने बहुत सारे थिएटर एक्टर्स को भी बुलाया है, राइट, टू एक्ट इन योर प्रोजेक्ट। इफ आई कैन आस्क यू एज वेल, I believe theater actors जो लेके आते हैं, जो वजूद लाते हैं project को, that's always next level. देखिए, ये बड़ा realistic होता है उसका, और जो theater actor होते हैं उनकी जो base है बड़ा strong होता है उसका, बड़ा मजा भी आता है वो performance में, मतलब पूरी जान डाल देते हैं, और जो actor actor नहीं लगता, वो character लगता है। And of course हमारे बहुत ही फौलादी कैरेक्टर विनीत, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, आई सी योर जर्नी एंड आई रिस्पेक्ट इट कंप्लीटली। अब नेक्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, एहसान खान जो यहाँ पे नहीं है पर तभी ताली बजाइए, दे आल्सो अ फॉर्मिडेबल पार्ट ऑफ ऑनलाइन 24/7। अंकिता चौहान, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज मैम प्लीज, वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अंकिता, looking so graceful. Thank you. अंकिता थोड़ी नर्वस थी बिफोर कमिंग ऑन स्टेज, तो उन्होंने बोला सिद्धार्थ संभाल लेना, बट यू नो ऑनेस्टली संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जो नए टैलेंट है एक्चुअली सीनियर एक्टर्स को भी बहुत कुछ सिखाते हैं। When you're working with अभिमन्यु, विनीत, अहम, संजय जी, हाथ कांप रहे थे जब पता चला कि आपको ये प्रोजेक्ट में काम करना है? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे चीजें मुझे पता चलती गई, थोड़ा सा डर लगता है, सभी को लगता है तो वही डर है, बट आई होप कि संजय सर के साथ बहुत कंफर्टेबल काम करूंगी मैं, अभी तक तो बहुत कंफर्टेबल किया, सो थैंक यू सो मच। और आपने मुझे संभाल लिया स्टेज पर, रिक्वेस्ट यू टू सी विद द ऑडियंस एज वेल, congratulations on your project Ankita, ladies and gentlemen, thank you Ankita, request you to take a seat with the audience as well, thank you। kya bolne ja raha hai? ha ja bolne se nahi karwa ke aa raha hu। ha to leke aa।